तुम्हारे सामने पॉपुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स है। स्टेट द थियरी ऑफ क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बोलो क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कुछ याददाश्त है तुमको, क्या याददाश्त चली गई तुम्हारी। सो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज वेरी क्लियर कि फर्स्ट स्टेज लो ग्रोथ लो रहता है बर्थ रेट, सेकेंड स्टेज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और थर्ड स्टेज लो और स्टेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या बोला है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या बोल रहा है, पहला स्टेज क्या है, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लो बर्थ। और एक्चुअली ना आज की स्थिति में ये चल रहा है, थोड़ा सा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट तो था ही सेकेंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में, बर्थ रेट भी ज्यादा और डेथ रेट भी ज्यादा, ए ठीक है ना। और आखिरी स्टेज में लो बर्थ रेट एज वेल एज लो डेथ रेट। सो देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए एंड सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसका भी देखो, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट भी होता है। सो ये भी करेक्ट आंसर दिख रहा है मुझे, सो इसको मत लिखो, ये मुझे लगता है करेक्ट है, आई थिंक। सो करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी। ठीक है, पहले तीन करेक्ट है अपनी जगह पे, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। सो ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर का कौन बताएगा। इनकरेक्ट रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज इन इंडिया इज, ये चार में से कौन सा रीजन है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण गलत दिया हुआ है इसमें। नाउ टेल मी, इलिटरेसी मतलब जो अनपढ़पन है, उनको तो पता नहीं फैमिली प्लानिंग के बारे में। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिजेस, जितना जल्दी शादी उतना बच्चे होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे जन्म भी लिए तो फैमिली में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना फैमिली बड़ा भी रहा तो भी कमा के एडजस्ट हो जाता है। लाइफस्टाइल अपलिफ्टमेंट में एक्सप्लोजन का पॉपुलेशन का कोई संबंध नहीं। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। समझ में आया, ये करेक्ट आंसर। कम टू द थर्ड, रेमेडीज अंडरटेकन टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या रेमेडीज है जो पॉपुलेशन चेक करने के लिए यूज किया गया है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट बोला है। फिर बोला है टू प्रोवाइड वुमेन्स, इंप्रूव वुमेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या लगता है तुमको सर? मुझे लगता है ए और सी है। यस सर, वही होगा ए और सी। यस सर, लेकिन इफ यू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वुमेन्स लाइफ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी तो होगा, कम होगा, मतलब शी विल हैव मोर क्वालिटी ऑफ लाइफ ना। तो ए बी एंड सी, बी भी आता है इसमें। सो करेक्ट आंसर शुड बी ए बी एंड सी। वुमेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाया, एडुकेशन दिया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए बी एंड सी होगा इसमें। वो तेरा भी करेक्ट, लेकिन उसमें एक बी भी जोड़ दे तो वो भी हो जाएगा। यस सर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है अपने देश का। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बाद में कभी पॉपुलेशन कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ते गया।
पता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है? ये यहाँ पे पॉपुलेशन जो है हमेशा उसके बाद हमेशा बड़ा है. नेक्स्ट एजे कोल एंड ईएम हुअर, इन्होंने क्या बोला है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो इन्होंने थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिया. बहुत फेमस थ्योरी है पॉपुलेशन की. तुम एमए इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे ना तो ये आएगा इसमें. नेक्स्ट इज सोशल रिफॉर्म्स. सोशल रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म तो स्प्रेड ऑफ एडुकेशन है ना. और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये लोग चाहते हैं कि स्टेबल पॉपुलेशन टिल 2045, मतलब 1.5% के ऊपर ग्रो नहीं होना चाहिए. जापान में तो नेगेटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन का, इंडिया में तो नेगेटिव होगा नहीं, इतना सारा पॉपुलेशन है, तो भी स्टेबल की बात कर रहे हैं. गिव कॉमन टर्म्स. इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या बोलेंगे इसका वर्ड? सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो टेक्निकल भाषा में इसको हम टेक्निकल भाषा में पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे. पॉपुलेशन ग्रोथ, मैं माउस से लिख रहा हूं, नॉर्मली मैं बैठ के लिखता हूँ लेकिन आज मैं सामने रख के लैपटॉप लिख रहा हूँ. पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है. नेक्स्ट बहुत इजी है. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कोई बता सकेगा? बर्थ रेट 7 है, डेथ रेट 4 है, तो जो बचा वो क्या होगा? बचेंगे ना जो सर्वाइवल रेट, जो बचे. बर्थ रेट 7 है, डेथ रेट 4 है, तो जो बचे वो सर्वाइव हो गए. सो दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल रेट. क्लियर विद दिस पार्ट? बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. क्या बोलेंगे उसको? किसी को ख्याल में आ रहा है वर्ड? नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन. सो सब चीजों में बैलेंस है ना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन. सो ऑप्टिमम पॉपुलेशन देश लुकआउट में है, लेकिन हो जाएगा अपने देश में. महंगाई इतना है ना, और आजकल मॉडर्नाइज हो गया है ना, तो पॉपुलेशन का इतना वो और कंट्रोल में आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है? प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन 1952, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. 1952 में गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया. याद रखो, फैमिली प्लानिंग मीन्स नॉट ओनली प्लानिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू हैव बट स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये उसका मीनिंग निकलता है कि कितने बच्चे चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए दो बच्चों में. वैसे
आइडियल स्पेस माना जाता है 3 इयर्स, जो इंट्रोड्यूस किया दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। देर वेर 40 बर्ड्स पर 1,000 इन कंट्री एट ड्यूरिंग द ईयर। कितना इजी है, कोई बोल सकता है? दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। नेक्स्ट, इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इज लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसको क्या बोलेंगे? मुझे लगता है करेक्ट वर्ड हियर इज ओवर पॉपुलेशन। इसको ओवर पॉपुलेशन बोलेंगे, मुंबई में वैसे भी ओवर पॉपुलेशन है ही, लेकिन ये बात सही है कि लॉकडाउन के वजह से मैंने सुना था 30 लाख लोग वापस अपने गांव चले गए थे, अभी सब वापस आने लगे हैं। इन कंट्री भी देर आर 15 डेथ्स टेकिंग प्लेस पर 1,000 ड्यूरिंग ईयर। इसको क्या बोलेंगे? डेथ रेट। वो एक जापानीज एक सीरियल है ना, डेथ नोट, सुना है क्या? सुना है क्या? नो सर। यूज़लेस हो तुम लोग। हाँ सर, सुना है, आपने बताया था। अरे बहुत बढ़िया है, कार्टून कैरेक्टर है। एक आदमी को, एक लड़के को एक डायरी मिलती है, उसमें खासियत रहता है जिसका भी नाम लिखेगा ना वो उधर मर जाएगा ऐसा। तो एक एक गुनहगार को मारना शुरू करता है, ऐसी स्टोरी बहुत फेमस है वो डेथ नोट। क्या नाम बताया? डी लिख दूं मैं तुम्हारे लिए, डेथ नोट। मैंने एक दो एपिसोड देखे थे लेकिन फिर मुझे थोड़ा काम रहता तो भी काम मुझे भी याद नहीं। डेथ नोट नाम का वो है। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाइना हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड। फॉर अ सर्टेन नहीं, बहुत सालों से, पिछले साल ही उन लोगों ने बंद किया। उन लोगों ने इतना कड़क कायदे कर दिए थे ना, वो लोग क्या करते थे, दूसरे बच्चे को मार देते थे, सिर्फ ट्विंस रहे तो छोड़ देते थे, वरना वो लोग दूसरे बच्चे को तो मार ही डालते थे। बहुत कड़क पॉलिसी था उनका बपरे, अभी अभी उन्होंने पॉलिसी रोका है। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाइना अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड पर फैमिली। इसको हम क्या बोलेंगे? लेकिन ये एक्चुअली वन चाइल्ड पॉलिसी होगा मुझे लगता है, पर फैमिली, बट इसका नाम क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी तो नहीं आएगा। तो क्या बोलेंगे चाइना के पॉलिसी को? पॉपुलेशन चेक बोलना चाहिए इसको, प्रिवेंटिव चेक्स बोल सकते हैं, या पॉपुलेशन चेक भी बोल सकते हैं जो उन लोगों ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी। लेकिन बोलते ना, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी था उनका ये। आई थिंक इसको वन चाइल्ड पॉलिसी बोलते हैं। मैं एक बार चेक कर लू क्या नाम है इसका, वन चाइल्ड पर फैमिली। एक मिनट, वन चाइल्ड पर फैमिली, इनका जो नाम था, हाँ इनका वन चाइल्ड पॉलिसी जो है ना, इसको तुम ऐसे बोल देना वन चाइल्ड पॉलिसी। ये अभी लेकिन चाइना ने हटा दिया है, अभी वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं रहा चाइना में, पिछले साल ही इसको इन लोगों ने रिवोक किया है।
नेक्स्ट, अभी तो लगभग हो ही गया। सो स्टेट फॉर रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ट्रू और फॉल्स? इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द आंसर इज ट्रू। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसको ट्रू बोलो। नेक्स्ट, डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया, ट्रू या फॉल्स? डेथ रेट गिर रहा है क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत अच्छे हो गए। ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ट्रू? Human resource play important role in economic development. Play in earning most important to insani kaam karta hai, insani barbaad karta hai, dekha jaye to. Ye bhi true actually. Aur last ka kya hai? Birth rate is declining due to changes in the standard of living. Actually, paancho true hai. Birth rate bhi decline ho raha hai India mein. Abhi tum dekho, मैंने बताया था ना, मैरिज एज ऑफ एवरेज वुमेन का एज 25 और मेन का 26 टू 28 देखा जा रहा है। सो सबके सब ट्रूथ है। ये तो क्वार्टाइल डिविएशन है, सो ये तो स्टैटिस्टिक्स में आएगा। सो जो तुमको स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर था उस हिसाब से तुम इसको बना सकते हो, ठीक है? तो हमारा ये भी खत्म हो जाता है इधर, बाल भारती ऑब्जेक्टिव। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।